गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इतना है कि सुबह के बजे हैं 8 और 9 बजे बिग बॉस की जो गाड़ी है वो मुझे लेने आएगी होटल से। तो मैं गाइस ब्रेकफास्ट कर रही थी अभी, तो बस ये डोसा लिया है, बाकी ये सब खाया थोड़ा बहुत। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर इसका ब्रेकफास्ट का। तो बस ब्रेकफास्ट करके कपड़े बदलते हैं, और कपड़े कहते हैं चेंज करके आना, कपड़े चेंज करेंगे, बाकी मेकअप वगैरह सब वहीं कर देंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि एक दिन पहले ही शूट होता है। आप लोग तो देखोगे 2 तारीख को, मगर जो शूट है वो 1 तारीख को होगा। तो बस ब्रेकफास्ट करके मैं फटाफट यहाँ से निकलती हूँ। बस अभी ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, तो कॉल आया है कि आपकी गाड़ी वेट कर रही है नीचे, आप आ जाओ। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ, तो देखो कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है कि पूरा आज दिन लग जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो 2 घंटे का शूट होता है, मुझे शूट जो होता है उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, तो सूट मैंने वाइट कलर का पहन लिया है और मजेंटा और वाइट है, तो बाकी मेकअप वो लोग वहीं करेंगे। कहते सूट पहन के आ जाओ, तो सूट पहन के, तो साथ में मेरी पंजाबी जुत्ती है मजेंटा, तो बस पहन के मैं जा रही हूँ। तो गाइज अब देखो वहाँ फ़ोन ले, वैसे मुझे नहीं लगता कि वहाँ फ़ोन अलाउड है, बाकी देखते हैं ब्लॉग बना ठीक है नहीं तो अगले दिन जो ये सीन है फिर अगले दिन आ जाएंगे। तो गाइज ये वाला ड्रेस है मैंने जो पहना है गाइज, ये वाइट और मजेंटा का साथ में कंट्रास्ट है। तो वैसे तो आप देखोगे ही प्रोग्राम वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा वाइट कलर की ड्रेस है, पजामी भी मजेंटा, जुत्ती मजेंटा है और साथ में मजेंटा चुन्नी है। तो बस यही समझ आया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आए कपड़े, क्योंकि मैं आप तो अपने मुझे नहीं पता था कि अचानक मुझे बुला लेंगे ये लोग। बस मैं अभी यहाँ से आई हूँ होटल से, तो कार आई थी तो इनोवा थी, वो मुझे यहाँ पर ले आई है, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं भी जब मुंबई आई थी तो यहीं आई थी जहाँ एक मंदिर बना हुआ। मैंने कहा था कि मंदिर बना है, मंदिर एक ही है, दीवार पिक्चर से लेके आज तक कहते हैं मंदिर एक है, तो वही मंदिर है। बस जो भगवान जी की पूजा करनी होती है तो वो भगवान जी को स्थापना कर देते हैं वहाँ पर। बिल्कुल मंदिर के सामने ही मेरी वैनिटी खड़ी है, उस वैनिटी में लिखा हुआ कृतिका मलिक, तो कृतिका मलिक की मम्मी की है, तो उन्होंने बोला कि कृतिका मलिक वाली जो वैनिटी है इसकी मम्मी को मतलब कि वहाँ पर बिठा दो। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप करा है, उन्होंने मेकअप खुद ही करा है मेरा, तो ज़्यादा मैंने नहीं कराया। वो कहते हैं कि अपने हिसाब से ही मेकअप करो, तो मैंने कहा आप कर दो, तो उन्होंने अपना लाइट मेकअप किया है कि मम्मी के हिसाब से, जैसे मम्मी लाइट मेकअप करती है। तो बाकी स्टाइल रह गया, बाल मेरे बालों को थोड़ा सा हल्का यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करवा के यहाँ पिन लगवा लूँगी ताकि बाल आगे ना आए। तो बाकी मेकअप मैंने लाइट से ही करवाया है। तो ये वैनिटी है, बहुत अच्छी बनी है, एसी चल रहे हैं, सब कुछ है, यहाँ लेटने की भी जगह है, पर लेटने से तो कपड़े वपड़े ख़राब हो जाएंगे। यहाँ बैठने की जगह है, तो मैं ये सोफ़ों पे बैठी हुई हूँ, चुन्नी पड़ी है मेरी, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेकअप हुआ था अभी, तो खाने पीने का भी सामान सब यहाँ पड़ा होता है, बॉटल्स होगी, फ्रूट्स हो गया, स्नैक्स, जो भी बिस्किट वगैरह खाने हो कुछ, ये सब रख गए हैं। तो ये सारी वैरायटी है, तो बस इस वैरायटी में मैं अकेली हूँ। तो गाइज मैंने सूट पहन लिया अभी, तो बस हेयर स्टाइलिश आएगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो को इतना मेकअप को शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं जो इतना मेकअप कर रहे हैं, बस हल्का सा है मम्मी के हिसाब से कि जैसे मम्मी है। अब अंदर क्या क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं करेंगे गाइज मुझे कुछ नहीं पता। तो हेयर स्टाइलिश तो मेरा मेकअप करके चले गए, तो मैंने गाइज ये वाले इयर रिंग्स पहने, पायल ने भेजे थे मुझे इयर रिंग्स, तो कहते मम्मा ये वाले पहन लो, तो मैंने इयर रिंग्स ये वाले पहन लिए। गले में मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी पहनने का, तो मैंने ये वाले इयर रिंग्स पहने। तो पायल अलग वैनिटी में है, माँ अलग वैनिटी, और सबकी अपनी अपनी वैनिटी होती है। तो बस हेयर स्टाइलिश आएगी, तो बस थोड़ा सा करेगी, तो फिर ये मुझे अंदर लेके जाएंगे। हमारा शो शायद 2 दिन चलेगा, आज का भी है, आज है 1 तारीख आज भी चलेगा और 2 भी चलेगा, 2 दिन शूट होगा हमारा। तो जो मेरा होटल है वो 3 दिन के लिए बुक है। बस मैं तैयार होके जा रही हूँ, क्योंकि मना कर दिया कि फ़ोन यही रख के जाओ बैग के अंदर वैनिटी में, तो वैनिटी की जो चाबी है मुझे दे दी है, मैं फ़ोन यही रख के जा रही हूँ गाइस। फिर जैसे भी होगा तो ब्लॉग्स का फिर बाद में देखेंगे, अभी फ़ोन यही रख रहे हैं क्योंकि अंदर का कुछ भी लीक नहीं कर सकते। तो हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो आके सो गए, इतने थक चुके थे बिग बॉस से आके, इतने थक चुके थे गाइज। ये जो बिग बॉस है आपको तो सिर्फ 2 तारीख को ही दिखाएंगे, मगर हमारा 1 तारीख से शुरू हो गया था। आसान नहीं है बिग बॉस में, बहुत टाइम लग जाता है गाइज, हर टेक को बार बार लेना, हर टेक को बार बार लेना। और हिम्मत है अनिल सर की भी, जो कि इतना ज़्यादा टेक लेते हैं और बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ कॉन्टीन्यूस काम करते हैं। हिम्मत है, सलाम है उस आदमी को, सही बात है, बहुत ज़्यादा काम है। तो हम अब उठे हैं, उठ के दोबारा जाना है हमने, वही गाइज दोबारा कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जो हमने 1 दिन पहले पहने थे, क्योंकि आप तो दोबारा आप तो इकट्ठा ही देखोगे ना शूट सारा,
तो कट्ठा शूट देखने बाद वही ड्रेस होनी चाहिए, वही मेकअप होना चाहिए, वही से स्टाइल वगैरह सब कुछ वैसे सबको बोला है कि वही कपड़े पहन के आना। तो अब शाम का 4 बजे का टाइम है क्योंकि ज़्यादा नहीं रह गया बिग बॉस, सिर्फ फाइनल ही उन्होंने निकालने हैं, बाकी 3 उन्होंने निकाल दिए। गाइस बता सकते हैं अगले दिन जब ब्लॉग आएगा आपको पता चल जाएगा। हाँ हाँ 3 निकल चुके हैं। सबसे पहले गोलू निकली थी और उसके बाद साई निकला था और उसके बाद रणवीर जी निकले थे। मुझे रणवीर जी पे पूरी उम्मीद थी कि रणवीर जी ट्रॉफी लेके आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, रणवीर भी निकल जाएंगे। अब 2 बंदे हैं, सना और नेजी। देखो हम शाम को जाएंगे तो पता चलेगा सना और नेजी में से कौन जीतेगा, और आपको वैसे भी अपने आप ही फाइनल में तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। गाइस अभी अपने हम नाश्ता किया, दोपहर की रोटी इकट्ठी खा ली, उसने दाल और आलू फलियों की सब्जी बनाई थी, जबकि मैं फलियाँ कह रही थी, वो कुछ और बोल रहा था, अपनी अपनी लैंग्वेज है, चलो यहाँ जो भी कुछ बोलते होंगे। तो आलू फलियाँ और दाल के साथ मैंने अभी रोटी खा ली है, तो अभी सारे तैयार होंगे 4 बजे वहाँ पर सेट पे पहुँचने। जो ब्लॉग है गाइस 2 दिन का इकट्ठा हो गया है, यानी कि ब्लॉग हम बना ही नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर जब हम चले जाते हैं ना तो सारा हमारा वैनिटी में बैग और जो भी सब कुछ होता है फ़ोन सब छोड़ना पड़ता है। तो वहाँ पर कल हम 10 बजे अंदर गए थे, रात को कम से कम 10:30-11-12 बजे वापसी आए थे, 12-13 घंटे का शूट था। तो ब्लॉग तो ब्लॉगिंग तो हो ही नहीं सकती है। बस अभी अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो 4 बजे का हमारा टाइम है, तो वही मैं पायल को कह रही हूँ कि फटाफट हम नहा धो के सारे तैयार हो जाते हैं, वही वाले कपड़े, कल तो मैं अपना सूट ही पहन के गई थी जो पहनना था, आज देखती हूँ सूट पहन के चले जाते हैं और साथ में अपने और वहाँ वो अपना नाइट सूट वगैरह ले जाते, आते हुए तो वापसी वही पहन के आ जाएंगे। गाइस इतना जल्दी बारिश होती है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, हर थोड़ी देर बस सेट के ऊपर टप 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 की आवाज़ें आ रही होती है। और जब हम रात को भी बाहर निकल रहे थे तो बहुत तेज ही बारिश आ रही थी, वही पायल के आई थी, कहती आपका सूट मम्मी लंबा है, थोड़ा उठा के चलो, अगर गंदा हो गया तो कल फिर पहनना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े बचाए और अपने आप को भिगोने से बचाया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का तो बहुत पंगा है। गाइस मेरा एक शूट था वहाँ पर कि गोलू को बताया नहीं था कि तेरी मम्मी आ रही है, तो इन्होंने टिकट मेरी बुक कर दी थी, तो गोलू को नहीं बताया, वहाँ जाके मुझे गोलू मिली थी, तो गोलू को देख के और गोलू मुझे मतलब ये देख के इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि मेरी मम्मी आ गई, और मुझे देख के इतना रोना आ रहा था, मैं कितना रो रही थी कि गोलू को मैंने कितने दिनों बाद देखा है। तो गाइस वो सीन भी इसमें शूट होगा। तो बिग बॉस कह रहे थे बस आप कृतिका की मम्मी जी अब आप मिल लिए तो आप बाहर जा सकते हो, तो फिर गोलू अपने घर में चली गई थी। ये पहले की बात है जब ये नॉमिनेट नहीं हुआ था, मतलब गोलू नॉमिनेट नहीं हुई थी उससे पहले की बात है, तो गोलू घर चली गई थी। कल गोलू ने मेहरून रंग की साड़ी पहन रखी थी, रेड और मेहरून थी, तो बहुत सुंदर साड़ी थी वो, उन्होंने बिग बॉस की तरफ से ही थी। तो बिग बॉस वालों ने ही मेरी टिकटें बुक कराई थी, रूम बुक कराए थे वहाँ पर लेमन ट्री, तो मैं एक दिन रही थी वहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर, पायल कहते नहीं मम्मी आप हमारे साथ सो, तो वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा रहता होटल, होटल में कोई भी नहीं रहता, सबके सब यहाँ पर इन्होंने अपार्टमेंट ले रखा है। तो पहले क्या करते थे होटल, एक होटल में क्या होता है कि एक बेड होता है, दिक्कत आती थी, यहाँ ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में 4 रूम बने हुए हैं, सबके साथ अटैच बाथरूम है, तो सारे के सारे हमारी टीम बहुत बड़ी है तो सब यहीं पर ही रह रहे हैं। तो वहाँ का जो होटल है वहाँ पर बस ऐसे कैसे खाली पड़ा है, मैंने कहा था कोई चला जाए, कोई भी नहीं गया, और यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो कल की मेरी टिकट बुक हो चुकी है 3 तारीख की, 2:20 की मतलब की मेरी टिकट है वो कि बुक करा चुके हैं, मुंबई से ही है, तो सीधा हम जाएंगे चंडीगढ़। तो उसके बाद गोलू और पायल वगैरह सब एक दिन बाद आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, वो सब अपना काम निबेड़ के आएंगे, और मैं तो चली जाऊँगी, तो बाकी देख लूँगी घर जाके, उसके बाद 1-2 दिन रह के गोलू के पास, तो फिर अपने घर की तैयारी करते हैं क्योंकि घर भी देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बस मैं और एनी अभी अभी हम बाहर आए हैं घूमने के लिए, हमने कहा चलो घूमते हैं थोड़ा देखते हैं, शूट को जरा 2 घंटे देर है, तो हमने वड़ा पाव खाया, गाइस दिखाना भूल गई थी, एनी ने समोसा खाया छोले के साथ और मैंने वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव इतना नहीं अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्होंने लाल चटनी मीठी लगा दी थी और वड़ा पाव सारा मीठा हो गया था। मैंने पायल को फ़ोन किया भी आप लोगों को कुछ खाना है, वो कह रहे हमें कुछ नहीं खाना, तो आप आ जाओ शूट पे चलने, तो बस फटाफट हम घर चलते हैं। ये देखो ऊंचाई जरा सी है ना, उनको सांस फूलना शुरू हो जाए, चलो गाइस होटल पहुँचते हैं फटाफट। बस मैं अभी अभी तैयार हो चुकी हूँ, मैंने वही वाले कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि वहाँ जाके फिर वही सूट पहनना है जो कल पहना हुआ था। तो मैंने सोचा कि रात को गोलू आ गई होगी, अरमान जी और गोलू आ गए, बाद में पता चला अरमान जी अकेले आए हैं, गोलू नहीं आई, गोलू साईं और रवि जी को वहीं पर ही रखा था, अगर वो बाहर आ जाते तो लोगों को पता चल जाता कि वो लोग बाहर निकल गए हैं, इसलिए वो नहीं आए। गोलू आ जाएगी जब आज सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो शो करेंगे कि गोलू निकल चुकी है,
तो मैं वही पूछ रही, गोलू कहाँ है, गोलू कहाँ है, गोलू तो आ ही नहीं है, गोलू को तो निकाल ही नहीं सकते वो लोग बाहर, क्योंकि लोगों को बाहर की दुनिया, आपको पता है ना गोलू निकल गई है, बट बाहर की दुनिया को नहीं पता, और हम लोग फिर हमारा तो ये सारा गेम ही खराब हो जाएगा, जो दो बंदे रह गए हैं अंदर, ये सना और ये नेजी, अब इन दोनों में से जीत रहे हैं वो तीनों, वही हैं, हमें गोलू वही मिलेगी, वही वाली ड्रेस पहनी होगी, मतलब देखो शूट दो दो दिन होता है और दिखाते हमें एक दिन है, मतलब शूट बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है, टीवी में देखना बहुत आसान है, 2 घंटे देखे 3 घंटे देखे काम खत्म, वहाँ बहुत मुश्किल है गाइस, बस हम फिर जा रहे हैं, फिर वही कपड़े पहनेंगे, फिर वही मेकअप करेंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, आप लोगों को लगेगा कि हम एक ही दिन बैठे हैं, पर नहीं, हम 2 दिन वहाँ पर हमें बैठना पड़ रहा है, बस अरमान जी भी तैयार है, पायल भी और मैं भी, बस मैंने तो यही कपड़े पहन लिए हैं और वो वाइट वाला सूट साथ ले लिया, क्योंकि बाहर बरसात आ रही है और लंबा सूट है वो ना ख़राब होता है, वहीं जाके चेंज कर लूँ। 8:15 बज चुके हैं गाइस, हम तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, कल वाली ड्रेस दोबारा पहननी थी, तब जैसे ही बोलेंगे अंदर जाएंगे शूट के लिए, शायद जो शूट है वो लाइव होगा, तो बस वही सेम मेकअप है, वही सब कुछ है, वही करके बैठने हैं, तो बस अब अंदर जाते हैं। तो गोलू कल नहीं आई थी, आपको बताया ही था कि गोलू अंदर है, अब गोलू जाके मिलेगी, कल की मेरी फ़्लाइट बुक हो चुकी है, यानी कि अब देखो गलती से मैंने जाना था चंडीगढ़, और गलती से जो मेरी फ़्लाइट है वो हो गई दिल्ली की बुक, और साथ साथ मैंने एनी की भी करवा ली, जो मेरी थी सेम वही एनी की भी करा दी, यानी कि मैं और एनी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे कल, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम दिल्ली से जब हम एयरपोर्ट से उतरेंगे तो बाईपास जाएंगे, वहां से हम कैब करते हैं क्या करते हैं, तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, बस पकड़ेंगे जैसे भी पकड़ेंगे, तो एनी को तो नहीं पता रास्ता, तो मैं उसे खुद लेके जाऊँगी, हम चंडीगढ़ जाएंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, सारी गड़बड़ होगी, जो भी हो रहा है गड़बड़ हो रही है, बस बारिश आ गई, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कैब बुक की थी वो कैब भी गलत बुक हो गई थी, बहुत आगे चली गई थी कैब, 15-16 किलोमीटर फिल्म सिटी से भी आगे, वहाँ से हम ऑटो पकड़ के आए हैं, इतनी बारिश थी कि बारिश में हम भीगते, मतलब बारिश में तो नहीं भीगे, स्कूटर में थे, बहुत मुश्किल से हमने दोनों कवर कर लिए थे उस साइड, तो हम पहुँचे हैं, यानी कि जो भी हो रहा है सब गड़बड़ हो रही है, यहाँ के रहने वाले नहीं है ना, तो हम इतना पता नहीं है, तो एकदम पायल को अचानक हो गया कि भाई होटल से तो इतनी दूर नहीं था फिल्म सिटी, तो ये दूर कैसे हो गया, तो वहाँ से कैब वाले ने उतार दिया, कहता मेरे को अपने घर जाना है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो नहीं आपका टर्न होता, फिर ऑटो पकड़ के हम लोग आए, यहाँ पहुँचे ही लेट है, लेट पहुँचे, तैयार हुए हैं, तो अभी पूछे जा रही हूँ कि कब जाना है, वो कह रहे अभी रुको आप वैनिटी में बैठे, सोचा होगा कि आप यहाँ टॉप 5 में यहाँ बैठी होंगी, ये है बिग बॉस देखने का नतीजा, वहाँ पे बिग बॉस चल रहा है, यहाँ पे पूरी पूरी की पूरी सब्जी चल रही है, ये आपने करा की टमाटर प्याज था, नहीं ये मैंने सुबह बनाया था, वो सोयाबीन का चूरा नहीं होता वो बनाया था मैंने, और अंदर आप कह रहे कुछ जल रहा है चाची, पायल रो रही है, बस 1 बज गए अभी हम पहुंचे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जबकि आज कोई इतना ज़्यादा शूट नहीं था, सिर्फ 10-15 मिनट का ही शूट था, जो सिर्फ फाइनल ही करना था कि नेजी में से और सना में से, और सना ही अपना जीत गई है, चलो अच्छी बात है, उस लड़की में जज्बा भी था कि मैं जीतूंगी, उसने कभी नहीं बोला कि नहीं मैं जीतूंगी, तो अच्छा है उसकी जीत होगी, बहुत ज़्यादा खुशी है कि सना जीत गई है, बाकी नेजी और सना में से देखो जीतना तो एक नहीं था, तो सना जीत गई, तो उसकी अपनी बात पूरी हो गई कि मैं जीतूंगी, बहुत खुश थी, और आज मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई अनिल कपूर के साथ, सबके साथ, तो मैं जब सना के पास गई तो मैंने कहा मैं कृतिका की, अरमान की और पायल की मम्मी हूँ, तो उसने बोला आंटी मैं आपसे मिलना चाहती थी, गोलू आपके बारे में बातें करती थी तो मैं आपसे मिलना चाहती थी, तो बहुत अच्छी लड़की है, खुश होकर मिल रही थी, चलो खुशी की बात है कि सना जी। आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, बस कल की मेरी फ़्लाइट है और कल हम पहुंच जाएंगे, बस जो हमारी टिकट है वो दिल्ली की होगी, दिल्ली से फिर दोबारा हम चंडीगढ़ जाएंगे गाइज, बस गलती से उन्होंने जो टिकट है मेरी दिल्ली से बुक कर दी है, तो अब जाएंगे हम दिल्ली से फिर आएंगे चंडीगढ़, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।